भाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम, सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार इंदौर, सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री वीतरागाय नमः, ओम नमो अरते भगवते श्रीमती श्री पारसितंकराय दुर्गा सर्वज्ञाय स्वयंभुये सिद्धाय वंदाय परमात्मनि परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्ताय अनंत दशाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय वंदाय तुलसंकराय सत्य ज्ञान स्मृति श्री हरि का श्रावक श्राविका प्रभु चतुर्संगोप सर्विनाशनाय घाती ग्रह विनाशनाय घाती ग्रह विनाशनाय अवयस्माकम् मृत्युम् अधिगामम् प्रतिगामम् अलिगामम् क्रोधम् अग्निम् सर्वशत्रुभयम् सर्वक्षरिगम् सर्वविघ्नम् सर्वभयम् सर्वराजभयम् सर्वचोरभयम् सर्वदुष्टभयम् सर्वमृगभयम् सर्वातपचक्रभयम् सर्वपरमन्त्रम् सर्वशूलरोगम् सर्वक्षयरोगम् सर्वकुष्ठरोगम् सर्वक्रूररोगम् देवुलु चिंतामणि पारसनाथ भगवान की कचनीर वाली बाबा की उनके मंगलाशीर्वाद से विधान प्रारंभ करते हैं। नाभिराय मरु देवी के नंदन आदिनाथ स्वामी महाराज सर्वार सिद्धि ते आप पधारे मध्य लोक माही जी निराज दीप धूप फल नाचत ताल मृदंग बजा श्री आदिनाथ जी के कमल बलि बलि जाऊं मन वचिका हो करुणा निधि अब दुख मेटो याते मैं पूजो प्रभु पा ओम रीम श्री प्रथम ऋषि आदिनाथ जय नमः अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वामदि जन महिमा जन परिवार मंगल स्थापना करो मी स्वाहा के जन श्री जन परिवार मंगल के स्थापना करो मी स्वाहा रवि जन मितेश जन परिवार रोहन जन परिवार मंगल के स्थापना करो मी स्वाहा विधान उसे श्रीमान संजय श्रीमती ममता जी सलांग अजीत मोहिमा परिवर्तन जी नवी गटक से बस एक एक करके राजेश जी पहले आपको करना है मंगल की स्थापना करो मी स्वाहा नमो अरिहंतालम नमो सिद्धालम नमो आयरियालम नमो जहां नमो रोहिशम स्वाम श्रीमान भीमसेन जैन कविता परिवार मंगल की स्थापना करो मी स्वाहा नमो सिद्धालम नमो आयरियालम नमो जहां नमो रोहिशम स्वाम रमेश कुमार परिवार हैदराबाद मंगल की स्थापना करो मी स्वाहा ശാങ്കുരുപ്രതിമോപി ബുദ്ധ്യാ ओम रीम नमो संबोधिना ओम रीम श्रीम क्लीम जल यात्रा जल तिरुवे नमः ओम रीम नाथ सुत्र के प्रत्याशी आदि नाथ जय नमः अर्घम निर्वामदे ओम रीम वरम नमो स्वयं बुद्धिम जनम ओम राम रीम रम श्याम श्रीम श्रम सिद्ध बुद्ध केदार बोल सुना ओम रीम अरज सुन सुत्र के प्रत्याशी आदि नाथ जय नमः अर्घम निर्वामदे ओम रीम अरम नमो पत्ते बुद्धिम जनम ओम रीम श्रीम क्लीम श्याम श्रीम कुमति निवाणे महामय नमः ओम रीम सकल दृष्टि पुष्टि कराय के प्रत्याशी आदि नाथ जय नमः अर्घम निर्वामदे
निर्धूम वर तीरप वर जित तेल पूरा कृष्णम जगत्रयमिदं प्रगटीकरोसि नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या त्वष्टीकरोसि सहसा योग्यपज्जयन्ति ओम ह्रीम रमणमोचारण नम जन्म ओम ह्रीम श्याम श्रीम सुधर्मा ओम ह्री केवल ज्ञान प्रकाश के लोकलोक सुप्रक्ल प्रत्याशी आदि नाथ जैन मार्ग पामदि ओम ह्रीम रमणो आकाश गामी जन्म ओम नमः सी वीर वीर जंबे जंबे मोहे मोहे इस तंबे स्तंभ धारण करुणा ओम ह्री मंत्र पदानि वर्ग दुर्गा प्रकाशी आदि नाथ जैन मार्ग पामदि तामामनंति मुनियः परमं पुमाशे मातत्तवर्ण ममलं तमसा पुर ओम नी मरमनो भयवदो महिदिमार बुद्धमणगु सिसुवा ओम नमो वंचर सिसुवा ओम नी सकमच फलते पके उत्तासी आदि नाथ जैन मार्गन पामदी मार्गदर्शन में हम कुछ धार्मिक प्रवृत्तियों में आ पाए हैं, अदरवाइज धर्म से हम विमुख थे। हम गुरुदेव के आभारी हैं कि हमें धर्म से परिचय कराए। महानुभाव, आज से 2023 के चतुर्मास में जो 48 दिवसीय अखंड भक्तांबर जी की महाराधना होना है, वह प्रारंभ होगी। हमारी जैनागम में तीन जोड़ों का बड़ा महत्व है। जोड़ा समझते हैं आप, किस किस का होता है? पति पत्नी का, भाई बहन का, सास बहू का, पिता पुत्र का, अर्थात दो जहां वस्तु होती है उसको जोड़ा कह दिया जाता है। तो जैनागम में तीन जोड़ों का विशेष महत्व है। कौन कौन से होंगे तीन जोड़ों का बड़ा विशेष महत्व है? उसमें सबसे पहला है पूजा और अभिषेक। क्या अभिषेक के बिना पूजा अधूरी है? तो पहला जोड़ा कौन सा है? पूजा और अभिषेक। दूसरा जोड़ा है विधि और विधान। क्या विधि और विधान? कि विधि बिना विधान होगा ही नहीं। तीसरा बताइए कौन सा है? पूजा और अभिषेक, विधि और विधान। और तीसरा जो है वह है ग्रंथ और गाथा। कोई भी ग्रंथ कब बनता है? जब उसके अंदर गाथाएं होती हैं। तो ये तीन जोड़े मुख्य हैं, पूजा अभिषेक विधि विधान ग्रंथ और गाथा। अब आपका और हमारा जोड़ा बन ही नहीं सकता ना, कि आप जनकपुरी तक तो साथ में हार देने आ रहे हो, बाद में कौन आएगा देने? तो जोड़ा तो ऐसा होता है जो साथ साथ में चलते रहते हैं, श्रावक और साधु जो चलता है, साथ साथ सारी चीज चलती है। तो मुख्य रूप से तीन जोड़ों का विधान है और इन तीन के बिना दूसरे पूरक हैं। आज 48 दिवसीय भक्तांबर जी की आराधना प्रारंभ हुई, जो कि जनकपुरी समाज ने पिछले 3-4 सालों में बहुत सारे कार्य किए। सबसे पहले जब 1000 किलो लड्डू चढ़ाया, जब भी काफी सारे 480 से ज्यादा मांडने, 1008 मांडने बनाए। अगली बार 2688 मांडने का विधान कराया, वह भी आपके जनकपुरी में ही संपन्न हुआ। और पुनः एक दो बार 48 दिवसीय विधान भी आपने कर लिया और पुनः इस बार चतुर्मास में 48 दिवसीय भक्तांबर जी की आराधना प्रारंभ। भक्तांबर स्तोत्र, भक्तांबर स्त्रोत का नाम भक्तांबर स्त्रोत क्यों है पता है आपको? भक्तांबर स्त्रोत का नाम भक्तांबर स्त्रोत क्यों है? क्योंकि सबसे पहला जो काव्य का पहला अक्षर है, पहली लाइन क्या है? भक्तांबर। इसलिए क्या है? भक्तांबर स्त्रोत। इनका अपर नाम क्या है? आदिनाथ स्त्रोत। क्या नाम है? आदिनाथ स्त्रोत। भक्तांबर की रचना कहां पर हुई? जेल में। कौन सी जेल? सेंट्रल जेल, तिहाड़ जेल। तो कहते हैं कि भक्तांबर जी की रचना जो थी, राजा भोज के समय आचार्य मानतुंग स्वामी जी को जब बंदी बना दिया गया, तो उस समय क्या हुआ? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 48 की 48 ताले लगा दिए गए और उन्होंने एक एक स्त्रोत को लिखा, एक एक काव्य को लिखा और एक एक ताला टूटता गया और 48 काव्य में 48 बार ताला टूट के वह बाहर आ रहा।
ये भक्तावर की महिमा है। जब उनके 48 ताले टूट सकते हैं तो हमारे कर्म रूपी एक ताला भी टूट जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। भक्तावर स्त्रोत, जिसका दूसरा नाम आदिनाथ स्त्रोत भी, कोई भी विधान करिए, कोई भी आराधना करिए, कोई भी पूजन करिए, लेकिन इन सबको करने के बाद यदि आप अपने जीवन में जब तक उन वस्तुओं को नहीं उतारोगे तो आपका पूजन करना, विधान करना सार्थक नहीं होगा। इस थाली की सामग्री उस थाली में आपने ना जाने कितने सालों से की, कितने जीवन भर करते आए, लेकिन थाली की सामग्री को इधर उधर करते करते समय कभी ये भाव आया क्या कि ऐसी थाली की सामग्री हमने करी है, कभी हमारे जीवन के शुभ कर्म जो हैं वह इस तरफ आए और अशुभ कर्म हमारे जीवन से जाते जाएं, ये प्रयास करें। नहीं तो बस गए थे मंदिर काई के लिए, काई के लिए जाते हो मंदिर में पूजा करने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए, सब कुछ करने के लिए, लेकिन जब मंदिर से घर आए, घर वाले बोले 2 घंटे तक क्या करते रहे, बोले बहुत कुछ किया, क्या किया, बोले आधे घंटे तो जाने में, आधे घंटे आने में, 1 घंटा खराब। घर से व्यक्ति मंदिर के लिए निकलता है, मंदिर कभी भी पहुंचे, घर वाले बोलते मंदिर गया। यदि 2.5 घंटे लग रहा है, 2.5 घंटे में आधे घंटे तो नीचे निपटा लेता है, आधे घंटे गाड़ी पार्किंग में लोगों मित्र मंडी से मिलता है, आधे घंटे हमारे समीप बैठा है और घर वाले बोलते 2.5-3 घंटे मंदिर में लगा के आया है। आप पिक्चर हॉल में जाते हो, पिक्चर हॉल में जाते हो तो पिक्चर कितनी देर की देखते हो, 3 घंटे की, तो क्या कहा जाता है कि 3 घंटे की पिक्चर है, आदमी उसमें आने जाने का समय नहीं गिनता, लेकिन मंदिर में आएगा तो घर से निकलने से घर जाते समय सारा मंदिर का टाइम गिनता है। आप ये बोला करो जब इस गर्भालय में आ गए ना उसके बाद समय गिनो तो मालूम चल जाएगा कि हमारा समय कितना सा मंदिर के लिए, और उसमें भी यहाँ आने के बाद में अरे मुझे चौकी नहीं लगाई, आप सब तो धर्मात्मा हो, मुझे पाटा नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया, इस तरह की सारी क्रियाएं चला करते हैं। तो अपने जीवन में आज से 48 दिवसीय श्री भक्तावर जी की आराधना प्रारंभ हो रही है, और निश्चित रूप से ये जो भक्तावर जी की आराधना है वह आराधना साधना आपके जीवन को अनेक अनेक तरीके से अनेक अनेक क्रियाओं को कराने वाली होगी, आपका जीवन सुखमय धर्ममय आराधनामय बनेगा। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा विधान यदि कहा जाए तो कौन सा है, भक्तावर जी है। अब आप बोलोगे कैसे, बहुत छोटा है, यदि नमोकार विधान करोगे लगातार तो कितने दिन होगा, 35 दिन। कल्याण मंदिर करोगे तो 44 दिन। स्थिति चक्र मामला विधान करोगे तो 8 दिन, और यदि नदी स्वदीपादी कल्पद्रुपादी करोगे तो 10 दिन। लेकिन भक्तांबर विधान ऐसा है जो लगातार 48 दिन तक चलता है और 48 दिन तक भक्तांबर जी की आराधना हो सकती है। जैनागम में 3 तरह से भक्तांबर स्त्रोत का उल्लेख है, कहीं कहीं पर पुरानी जीनवाड़ी में दिगंबर आमनाओं में 48 काव तो प्रचलित है, लेकिन 52 काव भी पाए जाते हैं, और सितंबर आमना में 44 काव का वर्णन आता है। इस प्रकार से 3 तरह का है, लेकिन प्रचलन में और जो मानने में यही 48 काव का है। तो आप लोग करिए और ये आपके जीवन का भाग्य होगा कि यदि आपने 48 दिन यहाँ पर बैठकर चावल चढ़ा दिए तो समझिए चलना कि इससे आपके जीवन का इससे बड़ा सौभाग्य हो ही नहीं सकता। तो आज पहले दिन पहुंचे हैं, प्रयास करें कि नित्य प्रति आए और भक्तावर जी की आराधना करके अपने जीवन को अपना पुण्यशाली भाग्यशाली सौभाग्यशाली बनाए, यही मंगल सद्भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की।
भाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।